पूर्वांचल के 10 जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। आम आदमी के सामने सूखा एक गहरा संकट बनकर आया है। हम लहुरियादह गांव पहुंचे, जहां पर कुछ इस तरह से पानी के खाली डिब्बे पड़े हुए थे। लहुरियादह गांव के बाद हम पहुंचे मिर्जापुर के ही लालगंज गांव। यहां भी हालात जुदा नहीं दिखे। गांव में 400 लोग रहते हैं और इनके लिए सिर्फ 2 हैंडपंप, और उस पर तुर्राइए कि दोनों हैंडपंप सूख चुके हैं। इलाके में ग्राउंड वाटर लेवल बेहद गिर चुका है और 200 फीट तक गहरे हैंडपंप भी पानी की एक बूंद को मोहताज हो गए हैं। यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। 2 हैंडपंप है वो भी सूखे हैं। पूरे लगभग आबादी यहाँ की 300 के आसपास है। कैसे यहाँ पे गुजर बसर होता है लोगों का, ये सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पंचायत के एक सदस्य जयप्रकाश उपाध्याय जी। जयप्रकाश उपाध्याय जी, अगर बात की जाए आबादी की, क्या आबादी है यहाँ की, कैसे यहाँ के लोगों का गुजर बसर होता है? जी, यहाँ आबादी लगभग 400 के करीब है और यहाँ कोल बस्ती है, जहाँ हम खड़े हैं कोल बस्ती है, और कोल बस्ती में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। 2 हैंडपंप लगे हैं, किसी में पानी नहीं आ रहा है, और ये मजबूरन कोई सहायता सरकारी नहीं मिला। ये लोग जनप्रतिनिधियों के पास गए और कहीं इनको शरण नहीं मिली। तीनों ने स्वयं अपने बलबूते, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पे ये लोग जो है अपना जो है एक कूप का पहाड़ जो है आप देख रहे होंगे, पत्थर है, अब पत्थर तोड़ तोड़ करके ये सब पानी निकाले। कहते हैं मजबूरी क्या न कराए, ऐसा ही कुछ लालगंज में भी हुआ। प्यास ने लोगों से मेहनत कराई और पानी के लिए गांव के लोगों ने पहाड़ काटकर कूप बना डाला। अब इसी कूप से पूरा गांव पानी पीता है, लेकिन इसके पानी को देखें तो पीना तो दूर, इस पानी को छूना भी लोग पसंद ना करें, लेकिन लालगंज के लोग यही पानी पी रहे हैं। आम जनता है, जो आम नागरिक है, उन्होंने ये कूप बनाया हुआ है तोड़ तोड़ के अपनी मेहनत से, क्योंकि पानी की जो है बहुत किल्लत है। लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है, कहां से ये पानी आएगा। फरियाद लगाने के बाद भी इनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही थी, तो लोगों ने इस तरह से कूप खोदा हुआ है और ये पानी पीते हैं। मैं आपको नीचे जाती हूं और आपको दिखाती हूं, हम शहरों में रहकर बिस्लेरी वाटर पीते हैं और सोचते हैं कि किसी भी तरह की बीमारी ना हो हमें और किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि पानी से ही सारी बीमारियां होती हैं। दिखाना चाहूंगी ये पानी की क्वालिटी देखिए, कितनी गंदगी है यहाँ पे, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जो पानी है यहाँ के लोग पीते हैं, हम एक तरह से ये सोचते हैं कि हम ऐसे पानी से तो नहा भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों को गंदा पानी पीने का शौक है, असल में ये इन लोगों की मजबूरी ही है, हर रोज यही पानी पीते हैं और रात को भगवान भरोसे सो जाते हैं। बस ऐसे ही इन लोगों की जिंदगी कट रही है। इतना गंदा पानी है फिर भी आप ये पानी पीते हैं, क्या किया जाए, मुसीबत है, कहाँ जाएं, यहाँ पानी तो मिलना है, मिल नहीं रहा है, इसलिए समस्या है, यही पानी पीते हैं हम लोग, अब कोई यहाँ मतलब कोई सहयोगी नहीं है। अच्छा, आपने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है? गुहार लगाई, कोई सुनने वाला नहीं, गरीब का कोई सुनता है, कोई नहीं सुना सर। पूरा गांव यहां से पानी भरता है? सब पूरा गांव पीता है और भरता है। बीमारियों का अगर देखा जाए तो बच्चों को बीमारियां कैसे यहां पे फैल रही हैं? सब भगवान भरोसे यहां पर रहते हैं, यही समस्या है सर। तो देखिए यहाँ पर समस्याएं बहुत ज्यादा है, ना ही शौचालय है, ना ही पानी की जो पानी की कमी है उसको दूर किया जा रहा है। अप्रैल के महीने में ये हाल है तो जून जुलाई में क्या हाल होगा। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सच में भगवान भरोसे है एक तरह से। ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन इस सूखे से अनजान है। मिर्जापुर के DM कहते हैं उनके पास इससे निपटने की पूरी प्लानिंग है और इससे निपट लिया जाएगा। पेयजल की आपूर्ति जो ये सीधे टैंकर से करने का है, ये नोमेनक्लेचर चेंज होता रहेगा। अभी 48 गांव चयनित किए गए हैं जिनमें की टैंकर से सीधी सप्लाई हो रही है। लहुरिया गांव की आपने बात करी,
वहां पर अभी एक टैंकर से सप्लाई हो रही थी, आज सुबह से हमने दो टैंकर कर दिए। अप्रैल है, मई जून में और एक्यूट होगा क्राइसिस, तो ये कोई फाइनल स्टेज नहीं है, अभी तो और खराब होती जाएगी स्थिति, संभावना है। तो हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी थी अब से एक महीना पहले, धरातल पर अगले 3-4 दिनों में पूर्ण रूप से आ जाएगी। लालगंज के बाद हम पहुंचे मिर्जापुर के ही गंभीरापुर। इस गांव में भी लोग पानी की बूंद बूंद को मोहताज हैं। पानी नहीं होने से इलाके के खेत सूख गए हैं, इस साल की फसल पूरी बर्बाद हो गई। रही सही कसर सरकारी उदासीनता ने पूरी कर दी। लोहरिया द और लालगंज के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गंभीरापुर गांव में, जहां पर जो किसान है वो पूरी तरह से कृषि पर आश्रित है। यहां पर किस तरह से परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये सब तमाम बातें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक अध्यापक कमलाप्रति त्रिपाठी जी। कमला जी, ये बताइए कि किस तरह से क्या हालात है यहाँ के। मैं यहाँ का निवासी हूँ और ग्राम सभा तिंदुई है, मेरा ग्राम गंभीरापुर है। यहाँ पर भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, 2014-15, 15-16 दो वर्ष यहाँ पर इतनी तबाही है कि पानी पीने का घोर संकट व्याप्त है। कहीं पर फसलें एक भी अन्न देखने को नहीं मिला खलिहान में, क्योंकि पानी नहीं बरसा। इन जगहों पर इंसानी जिंदगी पानी से सस्ती नजर आ रही है, ऐसे में बेजुबान जानवरों की सुध कौन ले। बगैर पानी के लगातार जानवरों की मौत हो रही है। सूखे का आलम यह है कि लोग अब इन इलाकों से पलायन करने लगे हैं। और खादी बीज पानी जो कुछ उपाय था सब नष्ट हो चुका है, पत्थर से दैवी आपदा से सब नष्ट हो चुका है। खेती यहाँ नाम निशान की, नहर यहाँ सिरसी से खुदाई हुई है, लेकिन पानी यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं है। एक बाण सागर योजना चल रही है, उस पे भी 40-42 गांव इधर से कट गए हैं, उस योजना के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। यहाँ से बगल में आपका इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहरें खोदी गई हैं। जी, मध्य प्रदेश भी पास नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश भी यहाँ से बॉर्डर है, भैंसौर बलाय पहाड़ लहुरिया दह घोर संकट है, टैंकर से पानी आ रहा है। पानी दो दो दिन तीन तीन दिन बगैर नहाए लोग पड़े हैं, अपने पीने के लिए मुस्ताद हैं, पशुओं को क्या पिलाएंगे, सब पलायन कर रहे हैं। पूर्वांचल के 11 जिले सूखे की चपेट में हैं। राहत के नाम पर कुछ भी सरकारी मदद नहीं मिल रही। सप्लाई का पानी नहीं पहुंच रहा, पानी के टैंकरों का कोई पता नहीं। अप्रैल के शुरुआत में ही ऐसी हालत ने मई और जून का खौफ सामने ही दिखा दिया है। हमने यहाँ पे 3 गांव का जायजा लिया और देखा कि किस तरह से किसान और यहाँ के आम नागरिक मरने को मजबूर हैं और किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं की तो बात छोड़िए, इनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। हम बात करते हैं स्मार्ट गांव बनाने की, क्या अगर पानी नहीं है तो ये इंडस्ट्री और ये जिस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की बात होती है तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। जाहिर तौर पर ये एक चिंता का विषय है और इंडिया 24/7 हमेशा इन पक्षों से आपको रूबरू कराता रहा है और आगे भी कराता रहेगा। मेरे सहयोगी राजेश मिश्रा और कैमरा पर्सन अमर के साथ स्वाति शुक्ला, इंडिया 24/7।